एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा मैं आप लोगों को बोला था, हर एक सैटरडे को मैं क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग डालता हूं, तो अभी मैं वही ब्लॉग बना रहा हूं। जो जो मेरे वीडियो पे कमेंट किए हैं क्वेश्चन, उनको आज उनका आंसर मिलेगा। चलिए आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन सबूरा जैन का, रशिया में MBBS के लिए नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए। देखो, नीट बस क्वालिफाई होना चाहिए, OBC के लिए 108 और जनरल के लिए 138 लास्ट ईयर जो था 2021 में, बस नीट क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद है घोस्ट स्लोगन है, यूट्यूब पे उनका नाम लिखा हूँ। फर्स्ट ईयर में MBBS की फीस कितनी है भैया? MBBS की फीस डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो उसमें, लेकिन एक मीडियम एक अच्छी यूनिवर्सिटी देखा जाए तो कम से कम 3 लाख पर ईयर, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में है। उसके बाद है समीर विश्वास, भैया कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? मैं रोस्टर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। उसके बाद अल्ताफ मंसूरी, भैया मैं भी नूडल्स खाऊंगा, ये ऐसे ही है। समीर विश्वास का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, भैया आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, टोटल फीस कितनी है इंक्लूडिंग कंप्लीट कोर्स। देखो मैं अभी बताया, रोस्तव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। जब मैं आया था तो उस टाइम 2,20,000 फीस था, लेकिन आज के रेट में 3 लाख हो चुका है। पूरा एक्सपेंसेस बिना फूड का देखो तो 20 लाख, अगर फूड इंक्लूड करोगे तो इंडियन मेस भी है हमारे यूनिवर्सिटी में, तो 25 लाख तक जाएगा। उसके बाद है क्या नाम है, इसके बाद नराशा राजू, वी कैन डू पार्ट टाइम जॉब। हाँ, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में इतना टाइम नहीं होता कि आप पार्ट टाइम जॉब करो, सेकेंड थर्ड ईयर से जो है ना पार्ट टाइम जॉब के लिए आप सोच सकते हो। उसके बाद है कृष्णा शानू आचार्य, सर जी फर्स्ट ईयर वालों के लिए फर्स्ट दिन क्या ओनली फॉर्मल ड्रेस अलाउ रहता है या कुछ भी? देखो यहाँ MBBS में कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, बस आपको एप्रॉन होना चाहिए, बस आप कुछ भी कपड़ा पहन के जा सकते हो। क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको क्लास में एप्रॉन पहन के बैठना है। उसके बाद राकेश कुमार, भैया इन सब बुक की जगह मैरो बुक यूज कर सकते हैं क्या? देखो मेरे हिसाब से इंडिया से ज़्यादा बुक लेके मत आना, आपको जो है ना रशिया में आप जिस यूनिवर्सिटी में हुआ लाइब्रेरी से भी बुक प्रोवाइड होता है, आप PDF वगैरह अपने लैपटॉप में लेकर आ सकते हो, या फिर PDF तो आप यहाँ भी आकर डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको कोई बुक जरूरी पड़ा तो। एक और क्वेश्चन है कृष्णा शानू आचार्य जी का, भैया फर्स्ट ईयर में कितनी बार हॉलीडे होता है? देखो हॉलीडे जो है ना जिसमें मोस्टली इंडियन स्टूडेंट घर जाते हैं, जुलाई और अगस्त दो मंथ का कंटिन्यू छुट्टी होता है, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त, सितंबर फर्स्ट वीक से नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, तो बच्चे मोस्टली इसी टाइम घर जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपका बजट अच्छा है, तो आप जनवरी में भी एक बार घर जा सकते हो, जनवरी में भी 15 से 20 दिन का छुट्टी रहता है। एक Net7HD करके उनका यूट्यूब पे ID ये लिख रहे हैं, प्लीज रशिया के लोगों का डेली इनकम बताओ। यहाँ जो है ना जो लेबर क्लास है उनका भी 1,000-1,500 ऐसे होता है डेली का इनकम, बाकी आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो। सोहेल रहमान जी का क्वेश्चन, भैया एडमिशन प्रोसेस बता दो और एलिजिबिलिटी। देखो एडमिशन प्रोसेस तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो है ना मेरा वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, अगर आप नहीं देखो तो आप वो जाके देख सकते हो। लेकिन एक एडमिशन प्रोसेस बताऊं तो स्टूडेंट को कुछ नहीं करना पड़ता, आप जिसके थ्रू एडमिशन ले रहे हो वो सब कुछ करके देते हैं, एडमिशन लेटर, इनविटेशन, वीजा, फिर आपको एयरपोर्ट रिसीविंग, एयरपोर्ट पिकअप, जो भी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंटेशन होता है आप जिसके थ्रू एडमिशन ले रहे हो वो आपको करके देंगे। या तो आप किसी स्टूडेंट के थ्रू ले रहे हो तो आपको स्टूडेंट करके देगा, अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू ले रहे हो तो वो आपको करके देंगे। उसके बाद है एक सदन ब्लॉग, आपकी फीस क्या है? भाई मेरा कोई फीस नहीं है, मैं भी एडमिशन कराता हूँ, लेकिन जो हम लोग का चार्जेस रहता है उसी में मेरा भी पैसा इंक्लूड रहता है। आपको भी पता है आजकल आपको फ्री में कोई भी कुछ नहीं देने वाला, मैं भी एडमिशन कराता हूँ तो मैं भी स्टूडेंट से पैसा लेता हूँ, लेकिन वो सब पहले ही डिसाइड रहता है कि हाँ आपको इतना इतना पे करना है। फिर से एक बार मिस्टर सादिक जी का क्वेश्चन है कि भैया एडमिशन का पूरा प्रोसेस बता दो, तो मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, बस आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और आप जिसके थ्रू एडमिशन ले रहे हो की प्रोसेस वो सब करके देंगे। डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन का अमाउंट होता है वो देना पड़ता है, उसके बाद आपका एडमिशन लेटर आएगा, फिर इनविटेशन आएगा, फिर वीजा रहेगा, फिर आप रशिया आ जाओगे, उसके बाद आपका या यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्जाम, रशिया यूक्रेन हर एक जगह इंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन मोस्टली सब बच्चे इंट्रेंस एग्जाम में पास कर जाते हैं, तो इस इंट्रेंस एग्जाम का आप टेंशन ना ले, इंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हुआ उसके बाद आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेहा राज, गिरने के बाद तो बड़ा वाला बेइज्जती होता है, ये आइस स्केटिंग का मैं एक वीडियो डाला था उस पर ये लिखी है, तो आइस स्केटिंग पे सब लोग गिरते हैं तो बेइज्जती वाली ऐसा कोई बात नहीं है। हेलो भैया मैं भी नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कौन है? सहियत तयम हल्दर, अच्छी बात है भैया, अच्छे से प्रिपरेशन करो, बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद है ग्रेट एक्स, भाई आपके नीट में कितने मार्क्स आए थे? मेरे नीट में 350 आए थे, लेकिन भाई आप अपने एग्जाम पर फोकस करो, आप अच्छा स्कोर करो नीट में, तो मेरा मार्क्स जान के आप क्या करोगे, मैं तो ऑलरेडी फोर्थ ईयर में हूँ। और चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है जीवन सिंह, भैया रशिया में नीट में 50% कंपलसरी है क्या 12th के बाद? भाई नीट बस क्वालिफाई मार्क्स लाना है आपको, जो कि लास्ट ईयर OBC के लिए 108 और जनरल के लिए 138 गया था। उसके बाद है जुनैद, ब्रो आपका रिलेटिव रहता है क्या रशिया में? नहीं भाई मेरा कोई रिलेटिव रशिया में नहीं रहता। उसके बाद राज रॉयल, इंडियन मेस का ब्लॉग बनाऊँ? बहुत जल्द इंडियन मेस का मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ, जो हमारी यूनिवर्सिटी में पूरे मेस का आप लोग को टूर कराऊंगा।
उसके बाद एक मोमू आर्ट का क्वेश्चन, हेलो ब्रो कितने मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए? एडमिशन के लिए 12th में पीसीबी में कम से कम 50% होना चाहिए, मोस्टली यूनिवर्सिटी के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जैसे कजान हो गया, कजान में 12th में 60% होना चाहिए, नीट में वही नीट आपको क्वालिफाई होना चाहिए बस। उसके बाद वही घर वालों से दूर कैसे रह ले, तो भाई रहना पड़ता है, सपनों को पूरा करने के लिए जो है ना दूर रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एमबीबीएस की फीस कितनी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पहले तो जो है ना मैं लास्ट दो ब्लॉग जो डाला हूँ क्वेश्चन आंसर का, अगर आप वो नहीं देखो तो वो जाकर देखो, जो आप लोग कमेंट किए वो ऑलरेडी मैं जो है ना लास्ट जो है ना क्वेश्चन आंसर का जो ब्लॉग बनाया था उसमें आंसर कर चुका हूँ। तो एमबीबीएस का फीस डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, लेकिन मैं जिस यूनिवर्सिटी में उसमें 3 लाख पर ईयर है, 3 लाख, 2.5 लाख, 3.2, 3.5 ये है, लेकिन 4 लाख या फिर 5 लाख वाला यूनिवर्सिटी भी है रशिया में, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कम से कम मिनिमम 3 लाख तो होना चाहिए, उसके बाद 3.5 लाख, जैसे कजान है, कजान का आई थिंक 3 लाख 80,000 के आसपास में फीस है, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे उसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरंग सवानवार लिखा हुआ है यहाँ, भाई 3 साल में अभी तक कितने पैसे खर्च हो गए आपके? मेरे देखो अभी तक तो मैं उतना काउंट तो कोई एक एक रुपए का हिसाब तो नहीं रहता, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का फीस दिया हूँ वो उसके बाद 10,000 पर मंथ जो मेरा पॉकेट मनी और जो खाने में लगता है वो 10,000 पर मंथ, इतना भी खर्चा हो चुका है। अभी मैं ट्राई किया हूँ कि आप लोग का जितना भी क्वेश्चन हो उसका मैं आंसर दे दूँ इस वीडियो के जरिए, अगर फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन अगर छूट गया तो आप हमको व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हो, मैं आपको वहाँ आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। और सबसे पहले जो है ना आप जो है ना मेरा जो लास्ट जो दो ब्लॉग डाला हूँ क्वेश्चन आंसर का, अगर आप वो नहीं देखो तो वो देखो, उससे आपका और भी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बार बार आता है तो उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, अगर न्यू क्वेश्चन अगर पहली बार आया तो उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप जो लास्ट दो ब्लॉग डाला हूँ क्वेश्चन अगर आप वो नहीं देखो तो जाकर वो देखो। और एक और बात, अगर आपको एडमिशन लेना है रशिया में तो आप मेरे थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, आपका जो भी प्रोसेस है वो सब कुछ करके दूंगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको डॉक्यूमेंट देना है और उसके बाद आपको बस जिस दिन आपका टिकट है उस दिन आपको एयरपोर्ट पे आ जाना है, दैट्स ऑल। सो गाइज आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, वैसे मैं डेली ब्लॉगिंग भी डालता हूँ। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल रशिया मेडिकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट, और भी ब्लॉग भी आने वाला है, ये तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो और अभी डेली ब्लॉग जो है वो भी आएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।